वृंदावन में वास कर रहे हैं, कृष्ण ने इच्छा जागृत की है आज की, हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा, नहीं लाला, अभी तू इतना बड़ो नहीं है कि गाय चराने जाए, तू छोटा है। जिद कर ली तो हमारे कृष्ण को बछड़ा चराने की इजाजत मिल गई, बछ बारस। हमारे कृष्ण छोटे छोटे बछड़े में, छोटे हमारे लाला, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो नंद गोपाल। उन्हीं के मध्य में आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल और बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया चलती है, उनको यह डर है। देखिए, या तो गाय को डर होगा कि क्या होगा, पशु है वो भी, जीव है, पर यह जो गाय है ये निर्भीक चलती है, डर भी नहीं है इनको, क्योंकि इनका विचार है कि हमारे पीछे कृष्ण है। और गोप ग्वालों निर्भीक इसलिए है कि हमारे आगे कृष्ण है। निर्भीक जीवन आ गया कृष्ण के आते ही, और कृष्ण ऐसे ही हमारी लीलाएं करते हैं। आज उन बछड़ों के बीच में एक वत्सासुर नाम का असुर बनकर कंस द्वारा भेजा असुर आया, मेरे भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बक्कासुर बगुले का वेश धारण कर पाखंड का प्रतीक दिखता कुछ है, मानो खड़ा ऐसे है जैसे कि यह एकदम कितना ही शांत है व्यक्ति है, जैसे ही पास में मछली आती है कि सड़क से पकड़ लेता है। उसकी भी भगवान ने बीच में से चोंच पकड़कर फाड़कर दो भाग कर उसका भी उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी हमारे कृष्ण अब से हो गए, वृंदावन में रहने लगे। तो भगवान जब गायें चरा कर आते हैं तो कितना सुंदर दृश्य होता है कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, कि कितना सुंदर वर्णन है कि जिनके नयन भी मधुर है, जिनके हस्त भी मधुर है, जिनके होठ भी मधुर है, जिनकी देह भी मधुर है, जिनके चरण भी मधुर है, जिनकी वेणु बंसुरी भी मधुर है, जिनका चलना भी मधुर है, मधुराधिपति रखिलम मधुर। ऐसा हमारे कृष्ण का रूप है, ऐसी परम प्रेषी और आनंद में कृष्ण लीलाएं अक्सर किया करते हैं। कृष्ण नाम है प्रेम का, और जब उस प्रेम को आप चाहने के लिए आगे बढ़ोगे तो कृष्ण मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम ही कृष्ण है। पर उसको पाने के लिए भाव होना चाहिए निष्काम, उसको चाहने के लिए इच्छा तो हो, पर इच्छा हो केवल और केवल मात्र उससे मिलने की। अगर आपके मन में मोक्ष की भी इच्छा है तो वो भावना निष्काम नहीं रह जाती, वो सकाम भावना बन जाती। निष्काम भावना एक ही है, मुझे मेरा कृष्ण मिल जाए। जब उसमें मेरा जुड़ जाता है, मेरा कृष्ण, फिर वो सकाम नहीं, वो निष्काम बन जाता है, निष्कामता आती है फिर उसमें। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण, जो सब रूप में है और सब रूप में होकर भी कहीं पर भी नहीं है, जो जन्म लेकर भी अजन्मा है और जो अजन्मा होकर भी जन्म ले, ऐसा है मेरा कृष्ण। क्योंकि वो हर रूप में सभी को प्रेमित लगता है, प्रियश्री लगता है, मधुर लगता है वो सबको, इसलिए सुंदर भाव में उसकी हर बात को मधुर कहा गया। कि कृष्ण जब अपने बछड़े इत्यादि गायों इत्यादि के साथ चराकर लौटते तो अधरम मधुरम बात है, और साथ में यह भी कहते कि वरहा पीड़म नटवर वपु करणियो करणिकार विभ्र दवास कनक कपिसम वैजयंती च मालयाम रंध्राण वैणोर धर सुधिया पूरेण गोप वृंदे और वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रावी सदह गीत कीर्ति। कि जब जिस समय भगवान गाय चुराकर लौटते हैं तो पूर्ण कृष्ण धूल से भरे हुए, मुंह पर भी कृष्ण की धूल चिप जाती है, मानो मोती लग रहे हैं, उनका पसीना बहता है ना तो मानो मोती चेहरे पर दिखाई प्रदर्शित होते हैं।
और उन भगवान का ऐसे ही सुंदर भाव में, ऐसे ही सुंदर रूप में नटवर वपु, नट का वह श्रेष्ठ वपु है। करणियों करणिकार, कानों में कनेर के पुष्प पहने हैं मेरे कृष्ण ने। वैजयंती चमालयम, और गले में वैजंती की माला है। रंध्राण वैणोर धर सुधिया, अधराध मधुर कृष्ण ने बंसुरी को धारण करके रखा है। गोप ग्वाले पीछे पीछे कृष्ण की कीर्ति का बखान करते हुए चल रहे हैं। वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रावि सदह गीत कीर्ति, कृष्ण अपनी चरणों द्वारा उस वृंदावन की धूल को अपने चरणों द्वारा पूर्ण रूप से सुखमय बना रहे हैं। उसका कल्याण हो गया धूल का। वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रावि सद गीत कीर्ति, वो उसकी कीर्ति का बखान करती है क्योंकि उस पे मेरा प्रेम, मेरा कृष्ण चला है। और कृष्ण से प्रेम जुड़ जाए फिर दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती है, बस प्रेम उससे जोड़ने की आपको जरूरत रहती है। तो सभी गोप ग्वाले अपने कृष्ण को मानते कि हमारे साथ हमारा कृष्ण है तो हमें फिर किसी की जरूरत नहीं है, निर्भीक विचरण करते। अनेकानेक मेरे कृष्ण लीलाएं करते हैं। आज हमारे भगवान ऐसी एक सुंदर लीला करते हैं कि एक असुर है जिसका नाम है अग्घासुर। अग्घासुर अजगर का वेश धारण करके आया है, कंस द्वारा भेजा गया, और आकर के ग्राम में अपना मुंह खोल कर बैठ गया। कृष्ण इत्यादि सभी मित्र अपने खेल में लगे हुए थे। कृष्ण ने कहा सभी मित्र छुपेंगे और मैं आप सभी को ढूंढूंगा। सबने कहा ठीक है। अब सबके लिए वृंदावन पहले बात तो नया है, तो इधर उधर जाते उनको वो अग्घासुर जो था वो दिखा, और उनको लगा कि वो कोई गुफा है क्योंकि उसने तो विशाल मुंह खोल के रखा था बड़ा अपना। तो एक सखा ने अंदर पैर रखा तो कहा अरे नीचे तो गद्देदार है, उसकी जीभ और अंदर का मुंह का भाग था। दूसरा अंदर, तीसरा अंदर, चौथा, कृष्ण के मित्र गोप ग्वाले अंदर चले गए। सबने कहा अरे ये तो संत, मेरी दादी कहती थी कि संत ऐसी जगह पर तपस्या करते हैं, देखो भला गुफा के अंदर ऐसे गद्दे थोड़ी लगते हैं, यहाँ तो पत्थर होने चाहिए, पर ये संतों के कारण, अरे यहाँ देखो इसके दांत ऐसे मुड़े हुए भी हैं ऐसे भी, अरे तो ये पता नहीं है, कोई सामान हो अपना तो वो यहाँ पर टांग दो। कहा अच्छा कहाँ, तो सबने अपने अपने सामान रख दिए, किसी पे टांग दिया। अब अंदर जाए तो अंदर तो और वह पूर्ण रूप से अंधेरी होती जमे, सब अंदर जाने लगे, सभी मित्र चले गए। अब अग्घासुर सोचे कि जिसके लिए मैं आया हूं वो अभी तक नहीं आया, वो कहाँ रह गया, उसको तो आ जाना चाहिए था अब तक, पर वो क्यों नहीं आया। कृष्ण अब ढूंढने निकले, अरे सिदामा कहाँ हो, अरे मधुसूदन कहाँ चले गए, अभी तक तो तुम यहाँ थे, कहाँ हो। इधर देखते देखते मिले नहीं, कहाँ चले गए तुम, अभी तक तो हमारे बीच में ही थे। ध्यान लगाकर देखा, अच्छा ये लीला है, अभी बताते हैं। कृष्ण भी अग्घासुर के मुख में प्रवेश कर गए। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए सज्जनों, कि हमारा जीवन भी अग्घासुर के समान कैसे है। अग्घासुर है अजगर, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, कि हर मनुष्य काल रूपी व्याल अजगर के मुख में ग्रास बनकर बैठा हुआ है, त्रास निर्नाश हेतवे। अब उसका जीवन सुरक्षित कब तक है, जब तक कि वो अजगर मुंह बंद नहीं कर ले। जैसे ही अजगर ने मुंह बंद किया कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, हम भी अजगर के मुख में ग्रास बनकर बैठे हैं, सुरक्षित तब तक जब तक वो अजगर मुख ना बंद कर ले। उसने मुख बंद किया, हमारी मृत्यु हुई, तो बचने का साधन है कृष्ण को याद कर लो, वो अंदर अपने आप आ जाएंगे आपको बचाने। कृष्ण अंदर चले गए, और अंदर कृष्ण के जाते ही उसने मुंह
बंद कर लिया तो बाकी कृष्ण के मित्र तो सारे बेहोश हो गए। और हमारे भगवान जो सूक्ष्म होना जानते हैं वो विशाल होना भी जानते हैं। अपना विशाल रूप कृष्ण ने दिखाना शुरू किया और देखते ही देखते कृष्ण इतने विशाल हो गए कि उसका मुंह भी फटने लगा, बड़ा 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 होने लगा, और देखते ही देखते उसका मुंह बड़ा होकर फट गया। कंठ के अंदर से प्राण अवरुद्ध करवा कर भगवान ने उसके प्राणों को मोक्ष दे दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मोक्ष प्रदान किया। सखा सारे बाहर आए, कहा कृष्ण कुछ हुआ? कृष्ण का नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर उनको यह स्मृति थी कि हम कहीं गए थे और हमारे भगवान ने हमें बचाया है। तो उन्होंने इतनी बात अपने घर में बताई। पर एक साल बाद परीक्षित ने कहा, भगवान एक साल बाद आज की घटना आज बताओ, कल बताओ, परसों, एक साल बाद क्यों बताएं? कहा जब ये लीला हो गई तो कृष्ण ने सबसे कहा कि भाई चलो आज सभी मित्र अपने अपने घर से भोजन लाएंगे और हम सभी उनके साथ भोजन पाएंगे, तो सब जाओ और अपने अपने घर से भोजन लेकर आओ। सभी सखा गए भोजन लेने। तो कृष्ण ने मुख्य विशेष रूप से बीचों बीच बैठकर मधुसूदन श्रीदाम सब बैठे थे, तो कहा अरे तुम भोजन लेके आओ, आज हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। वो बेचारा मधुसूदन जो है वह पूर्णमासी पुरोहितानी की पुत्र है, संतान है, सुबह कमाती तो रात को पुत्र को खिला पाती। अरे लाला मेरे घर का भोजन अभी आया, इसका परिचय दूं तो पूर्णमासी पुरोहितानी ने इसको कृष्ण के साथ ही नंद महल में ही रख रखा था, क्योंकि मैया इनकी सेवा से, इनकी घर की स्थिति से वाकिफ थी। तो यशोदा ने कहा इसे हमारे यहाँ रख दो, थोड़ी ठाकुर बाड़ी में सेवा भी हो जाएगी और थोड़ा कृष्ण के ये साथ भी रह लेगा। कहा कोई बात नहीं, ठीक है, और वह भगवान के साथ रहेंगे। बेचारा वह दौड़ कर गया घर पे, मैया से जाकर कहने लगा, मैया अब तुम हमें यह बात बताओ कि यह जो है तुम्हारी भोजन कुछ पड़ा है, कृष्ण ने आज भोजन मांगा है मुझसे, मैं कृष्ण के पास भोजन लेकर जाऊंगा। मैया ने कहा लाला देख सुन ध्यान से इस बात को, मधुसूदन से उसकी मैया कह रही है कि तुझे पता है हमारी स्थिति तो, और लाला ने भोजन मांगा है तो देख ले उस कढ़ाई में कुछ पड़ा हो सो तू ले जा, वरना शायद ही हो। वो देखने गया तो उसमें 3 दिवस की खट्टी खड़ी पड़ी थी, कुछ लोग कहते हैं छाछ पड़ी थी। वो उसे लेकर तो गया पर वो सोचने लगा, अब विचार देखिए प्रेम का, कि मेरे कृष्ण अगर उसको पिएगा तो उसका मुंह कैसे ही हो जाएगा, और कृष्ण की तबीयत खराब हो गई तो नहीं नहीं इसको छुपा देता हूँ, अरे कृष्ण चंचल है ढूंढ लेगा, फेंक देता हूँ अरे आवाज़ आ जाएगी, मैं ऐसा करता हूँ मैं खुद ही इसे पी जाता हूँ, फिर कैसे ही कृष्ण को बोल दूंगा। तो उसने क्या किया, एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सबड़ सबड़ उस पूर्ण कड़ी को पी गया, पर जल्दबाजी के कारण कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ ऊपर लग गई। कृष्ण इतने में तो वहां पहुंच ही गए, कहा क्या बात हुआ मित्र, अकेले अकेले, मंगाई तो हमने थी और तुम अकेले पी गए। मधुसूदन कहा लाला बड़ी जोर की भूख लगी थी सो मैं रह नहीं पाया। कोई बात नहीं, तेरे लिए कल पक्का मैं कुछ लेकर आऊंगा। कहा अरे हमें जितनी चाहिए उतनी आपके पास है, और जो उसके मुख पे कड़ी लगी ही थी मेरा कृष्ण प्रेम से उसको पी गया। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण, ये है प्रेम का रूप, कि अपने आप को और मित्र में ये उसने तुलना नहीं कि मैं कहाँ हूँ कृष्ण, ये कहाँ मित्र, मैं इतने बड़े नंद बाबा का पुत्र, नहीं बिल्कुल भी नहीं, विचार ही नहीं उठता। मित्रों के साथ कृष्ण मित्र बनकर रहे हैं, चरणों में पादुका नहीं पहने। मैया सजाती जरूर है घर पे, पर कृष्ण पूर्ण रूप से सजकर कभी घर के बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कृष्ण के जो मित्र हैं वो लगभग सभी नितांत विपन्न हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं इनके साथ अगर ऐसे रहूंगा तैयार होकर तो ये कहेंगे भाई ये बड़े पिता का पुत्र है।
तो ऐसे भेदभाव को नष्ट करने के लिए कृष्ण सदैव समान रूप से उनके साथ रहे, उनके जैसे ही बन गए। तो अभिमान अहंकार नहीं था, वही कृष्ण ने सिखाया समझाया है। तो वह उसके मुंह पर लगा हुआ सारा कृष्ण पी गए। मित्र के नेत्र से आंसू बह गए कि लाला मुझसे इतनो प्रेम करे है तू। ऊपर विधाता ब्रह्मा बैठे बैठे सोचे कि ये भगवान है। ना ना गलती है कोई, भगवान इसके मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गया, मैं नहीं मान सकता। ब्रह्मा को भ्रांति हो गई और नीचे आया। और भगवान के मित्र जब सुपने को हुए हैं पुनः वह सभी मित्रों को उठाकर वहां से ले गए। कृष्ण आकर देखा, कृष्ण ने कहा अच्छा ये लीला ब्रह्मा जी की है। तो उन साल भर के भीतर कृष्ण ने उतने के उतने गोप ग्वाले बना दिए, उतने की उतनी गायें, उतने के उतने ग्वाले, उतने के उतने बछड़े सब बन गए कृष्ण। और हर एक माता के पास चले गए जो यह मानती थी कि काश मेरे पुत्र में भी मुझे कृष्ण समान लगे, कृष्ण जैसा मेरा पुत्र हो। उन सभी की इच्छा कृष्ण ने स्पर्श सुख के माध्यम से, किसी का पुत्र बनकर, किसी के घर गाय बनकर, क्योंकि बछड़े सोचते कृष्ण जैसी हमारी माँ हो और माँ सोचती गाय की कृष्ण समान मेरा बछड़ा। तो उन सभी की इच्छा मेरे कृष्ण ने पूर्ण की। एक साल हुए तो विधाता ऊपर से नीचे आए, नीचे आके इधर देखे उधर देखे, कहा उतनी गाय उतनी बछड़े ये क्या लीला है, सारे के सारे उतने ही पड़े, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। सोचते विचारते ब्रह्मा जी फिर ऊपर जाए, फिर उतने के उतने ऊपर बंधे हुए, नीचे भी उतने, ऊपर भी उतने, नीचे भी उतने। इतने में मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ऊपर पहुंच गए। ब्रह्मा जी नीचे आए हुए थे सो ऊपर पहुंचकर जाकर के सीधे बैठे हैं ब्रह्मा जी के आसन पर, और उनके पहरेदारे को इशारा किया हमारे जैसे बहुरूपीय बहुत घूमते हैं, आने मत देना किसी को। कहा जो आज्ञा प्रभु, किसी को प्रवेश ही नहीं देंगे, आप कहे तो दो एक बार। अंदर उनको प्रवेश मिल गया, कृष्ण तो बैठ गए और ब्रह्मा को प्रवेश निषेध करा दिया। अब ब्रह्मा जी नीचे से ऊपर गए, जैसे ही अंदर जाने लगे उन्होंने आगे लकड़ियां लगा दी। कहा ये क्या है, हमें काय रोक रहे हो। कहा तो किसे रोकें, आपको ही तो रोकेंगे, और किसे रोकें। कहा मतलब, कहा सुनिए आप यहां से चुपचाप जाते हो या मारकर भगाएं। ब्रह्मा ने कहा अपने स्वामी से ऐसे बात करते हो, कहा तुम जैसे स्वामी बहुत देखे, जाते हो या मारे। ब्रह्मा ने कहा आज भांग और खाई है तुमने, मालिक से ऐसे बात। कहा हमारे मालिक अंदर है। तो ब्रह्मा ने कहा भाई क्या आपके मालिक से मिल सकता हूं, कहा पूछते हैं। भगवान ने हाँ कर दी, ब्रह्मा जी आए और एक क्षण भी पूर्ण लीला को ब्रह्मा को समझने में नहीं लगा, चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। 40 श्लोक में रक्षति क्षमा, क्षमा याचना मांगी है, पर कृष्ण कहाँ क्षमा करे, क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान से उनके भक्तों को दूर कर दिया था। और भगवान क्या कहते हैं, संत मेरे मुकुटमणि और मैं संतन को दास, भक्त जहां पांव धरे वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कभी ना छोड़ूं साथ। यह भक्ति है, यह प्रेम है, यही तो है उसको पाने की कला। केवल सोचने से नहीं, अपनी सोच को भी ऐसा बना दो कि वो उसके अलावा कुछ सोचे नहीं, क्योंकि सोच सोच में राम है और सोच सोच में भेद, और जाकी सोच में आप विराजे ताकी सोच है नेक। जिसकी सोच में भगवान हो वह नेक है, वरना सोच सोच अनेक अनेक सोच रखने वाले तो बहुत है। 40 श्लोक में प्रार्थना करने पर भी ब्रह्मा को भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोले, वहां से सीधे चुपचाप अपने चल पड़े। और भगवान ने यह प्रेम की लीला, भाव की लीला मेरे कृष्ण ने की।
प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यानी कृष्ण अपने की रक्षा के लिए हर सफल प्रयास करते हैं। अग्गासुर बक्कासुर व्योमासुर वत्सासुर का कृष्ण द्वारा उद्धार हुआ है, और ऐसे ही भगवान विचार कर रहे थे कि अब हम क्या करें, कौन सा हमारा कार्य बाकी रह गया जो नहीं हुआ। मैं कष्टों की निवृत्ति के लिए आया था, रात को सोते सोते। तो सुबह मैया एक दिन कृष्ण से कह रही थी कि लाला, यहाँ पर जो यमुना का पानी है बड़ा ही विषैला हो रखा है, उसमें एक कालिया नाग रहता है, उसने उसको खराब करके रखा है, ऊपर से पक्षी चला जामे तो मूर्छित होकर गिर जाए, और जो नीचे से जीव जाते हैं लाला क्या बताऊं तो है, वो तो उसका पानी गाय हमारी गलती से भी पी ले सो मूर्छित हो जामे लाला, क्या करें। तो कृष्ण ने मैया से तब कहा था, मैया मैं इस नाग को मैं ही निकालूंगा, आप देखना चिंता मत करो। कहा अच्छा, कहा हाँ, कहा ठीक है लाला जो तेरी इच्छा। और वही इच्छा पूर्ण देखी आज भगवान ने मैया से, तो कह दी बहुत पहली बात। रात्रि को विचार करते कहा हाँ, इन ब्रजवासियों का ये संकट अब दूर करना पड़ेगा। और सुबह सभी आए कि अरे लाला आज उठो ना, आए जल्दी उठ, गाय चराने जाना नहीं है। कहना नहीं, कहा आज नहीं जाना, आज हम खेलेंगे। कहा का बात की खुशी में, कहा बस हमारी मर्जी, आज खेलेंगे सो खेलेंगे, इतने दिन गाय चरा के आया छुट्टी। सबने कहा ठीक है लाला चल कोई बात नहीं। और सभी हमारे भगवान के साथ चल पड़े हैं खेलने के लिए। अब सामने से आए बलराम जी, कान्हा ने कहा हो गया काम, ये हमें अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये है शेषनाग और वो है कालिया नाग, ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे, तो हमारा काम तो होगा ही नहीं। तो कहा कहाँ जा रहे हैं लाला, आज गया नहीं गाय चरण के, आज हम यहीं खेलने जा रहे हैं। कहा कहाँ का वहाँ, इतने में सखा बोल गया यमुना के किनारे। कृष्ण ने कहा अब तो हो गया काम। कहा लाला ध्यान से, वहाँ पर कालिया नाग है। कहा हम वहाँ जाएंगे नहीं भैया, हम दूर दूर खेलेंगे। कहा ठीक है लाला चले जा। कृष्ण चले गए। सिदामा सिदाम लेकर के आया है अपनी रेशम की पटकी, राधा जी का भाई बतलाया जाता है इसे, रेशम की पटकी गेंद का। देख लाला खेलो चाहे कोई भी, पर अगर हमारी किसी ने गेंद घुमाई तो वो ही ला कर देगा, और यही गेंद चाहिए हमें तो। कृष्ण ने कहा ठीक है, एकदम सच्ची बात है भाई, वही ला कर देगा और यही गेंद होनी चाहिए। कहा ठीक है। कृष्ण हमारे हाथ में चंदन की लकड़ी का बल्ला लेकर, पहली बॉल आई है हमारे भगवान ने सुंदर सा बड़ा ही आनंद से मारा है उठाकर, और सीधी वो बॉल गई यमुना में। अब सखा तो आ गए, अरे कान्हा ये क्या किया, पहली बॉल में ही तुमने तो बॉल घुमा दी, अब लेकर आओ लाला वरना हमारा का होगा। कृष्ण ने कहा नहीं, हम तो इसमें नहीं जाएंगे, हमें तो डर लगता है, इसमें कालिया नाग है। कहा देख लाला, पहले ही बात हुई थी कि जो घुमाएगा वही लाएगा। कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो सब सखा ऐसे करके वातावरण कृष्ण जानबूझ के बना रहे हैं कि सब कहे ला ला। सिदाम ने कहा देख लाला हमें नहीं पता। कृष्ण ने कहा हम ऐसी 5 गेंद देंगे तुम्हें। कहा नहीं, ये हमारे पिता ने दी थी हमें, हमें तो यही चाहिए। कृष्ण ने कहा भाई तुम्हारी इच्छा, अब हम लाते हैं और क्या। और कृष्ण हमारे भगवान दौड़कर वहीं के वृक्ष पर चढ़कर सीधे एकदम के वृक्ष से उसमें छलांग लगा देते हैं। इतने में मैया उठती है, अरे लाला कृष्ण, नींद खुलती है, दौड़कर बाहर आती है, आकर बलराम को देखती है, अरे बलराम लाला कहाँ है, कहा आज तो खेलने गया है। अब तो मैया की चिंता और बढ़ गई कि लाला इनके साथ गयो है, बलराम को लेकर भी नहीं गयो, इधर पूछे उधर पूछे तो पता चला कि वो तो गए हैं यमुना किनारे। मैया ने कहा एक दिन लाला मोहे बोलियो थो, अब चलो। दौड़कर नंद बाबा और को साथ लेकर गाँव वालों को जैसे ही किनारे पहुंची, सभी इकट्ठे हुए हुए थे, कहा क्या हुआ कि लाला अंदर कूद गया, और सुनते ही मैया वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ी।
कृष्ण जैसे ही अंदर गए तो कालियानाग के द्वारपाल आए, आकर देखा इतना सुंदर रूप और ये मरा नहीं अभी तक। जाकर अंदर हाथ जोड़कर कालियानाग से कहा, महाराज पहली बार विचित्र प्राणी देखा है और वो भी बच्चा है, ना तो अभी तक उस पर कोई असर हुआ ना ही उसके विष का कोई असर है, और आराम से निर्भीक यहाँ पर अपनी गेंद ढूंढ रहा है। कालियानाग ने कहा, इतना सुंदर बालक है, छोड़ दो कोई बात नहीं। फिर सोचा कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ता रहा तो मेरा तो डर कम हो जाएगा, तो कहा लेकर आओ। तो भगवान को लेकर आए, भगवान तो लीला कर रहे हैं। कालियानाग ने कहा, किस लिए आए? कहा, हम अपनी गेंद लेने आए हैं। कहा, तुम पर विष ने असर नहीं किया? कृष्ण ने कहा, बोल तो रहे हैं, असर कहाँ किया है? तो भगवान को अपनी पूंछ पीछे से लाकर घुमाते घुमाते पकड़ लिया। तो जो छोटा होना जानता है वो बड़ा होता है, पर छोटा बना रहता है। तो हमारे भगवान ने अपने रूप को विशाल विशाल विकराटे विराले विकराट अपने कृष्ण ने रूप को विशाल और विराट किया, और जैसे ही किया सो वैसे ही उसकी पकड़ ढीली होने लगी, होते होते छूट गए। दोनों में बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ है। अब भगवान के नख कई बार उसके कालियानाग के लग जाते, सो वहां से खून निकलता, और ऊपर वो जा रहा है तो उनको यह डर है कि अरे ये क्या है। अब उनके लोगों के ऊपर मन में डर और बैठ गया, ये क्या हो गया, कहीं हम अपने कृष्ण को खो न दें, कहीं हम हमारे लाला को खो न दें, उनके यह डर व्याप्त है अंदर। डरते डरते बेचारे सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। भीषण युद्ध हुआ है, कालियानाग को भगवान मारने वाले ही थे कि उनकी पत्नियों ने आकर हाथ जोड़ दी, कहा भगवान क्षमा कर दीजिए, पता नहीं था इनसे गलती हो गई है, माफ कीजिए आप इन्हें। और हमारे भगवान ने कहा, कालियानाग सुनो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हारे कारण से हमारे ब्रजवासियों को कितना दुख होता है, इसलिए तुम अब यहाँ नहीं रहोगे। कालियानाग ने कहा, भगवान आपने मेरे पर ऐसी मिर्च से युद्ध किया है, हमें जहर भी आपने ही भरा, फिर ऐसा क्यों करते हो? भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें मारा नहीं, जरा सा दंड दिया है, तो विष इसलिए नहीं तुम्हारे अंदर कि तुम अन्यों में मैं भी फैलाओ, यहाँ से चले जाओ। और कालियानाग के ऊपर भगवान सवार होकर, यह इनके आपस में गरुड़ इत्यादि की संक्षिप्त में बताऊंगा कि गरुड़ का इसके साथ माता की, ये कालियानाग की माता और गरुड़ की माता का आपस में अनबन थी, जिसके कारण गरुड़ का यह बैर था कालियानाग से, और उसने इसे कहा था कि जीवन में कभी आना मत मेरे सामने। तब कालियानाग वह छोड़कर यहाँ पधारा था। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने चरण बना दूंगा, फिर गरुड़ भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कहा ठीक है भगवान, और क्या चाहिए। और वह चल पड़ते हैं और जाकर के ऊपर आते हैं धीरे धीरे। जैसे ही दिखते हैं कृष्ण के मोर ऊपर पंख निकलती हुई, मस्तक बाल, और भगवान जैसे ही उनको निकलते हुए देखते हैं कि हर्ष की सीमा नहीं रहती। मैया को जगाते हैं, मैया जागते, अरे लाला आ गया, लाला आ गया, और कृष्ण उसके फणों पर नृत्य कर रहे हैं।